सो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल माई इग्नू सॉल्यूशंस में। और मैं प्रेरणा सिंह आज आपके लिए लेके आई हूँ इग्नू MHI-03 हिस्टोरियोग्राफी। तो इसके आपके फ्री सॉल्व असाइनमेंट है 20 से 21 तक के लिए, यानी कि स्टूडेंट जिन बच्चों ने जुलाई 2020 में एडमिशन लिया है, ये असाइनमेंट्स केवल उन्हीं स्टूडेंट्स के लिए है जो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, जिससे आपका कोई भी चार्जेस आपसे नहीं लिया जा रहा है। तो आइए हम अपने सॉल्व असाइनमेंट देखते हैं। तो ये MHI-03 हिस्टोरियोग्राफी, तो पहले हम कुछ नोट जान लेते हैं कि जब हम अपने असाइनमेंट्स बनाते हैं, ठीक है, तो हमें कौन कौन सी बातें हैं जो जानना बहुत ही जरूरी है, किस अकॉर्डिंग हमें अपने असाइनमेंट्स बनाने चाहिए। तो पहला नोट है अटेम्प्ट एनी 5 क्वेश्चंस, यानी कि आपको अपने असाइनमेंट से मिनिमम आपको क्या करने हैं, 5 क्वेश्चंस को आपको अटेम्प्ट करना है। एंड जो आपके असाइनमेंट्स हैं वो आपके दो सेक्शन में डिवाइडेड हैं, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी। और आपको एटलीस्ट सेक्शन ए, जैसे आप सेक्शन ए है, ठीक है, तो सेक्शन ए में से अगर आप चाहें तो 2 क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट कर सकते हैं और सेक्शन बी में से आप 3 कर सकते हैं। तो मैक्सिमम आपको क्या करना है, आपको टोटल 5 क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने हैं और मिनिमम आपके वो 500 वर्ड्स के आपके होने चाहिए। तो अक्सर जो स्टूडेंट्स होते हैं वो ये सोचते हैं कि मैं जितना लिखूंगी, ठीक है, तो उतने मुझे मार्क्स मिलेंगे। लेकिन आपके जो स्टूडेंट्स, जो आपके आंसर्स होने चाहिए वो टू द पॉइंट होने चाहिए, एकदम करेक्ट होने चाहिए। ये मैटर नहीं करता कि आपने कितने वर्ड्स लिखे हैं, ठीक है, लेकिन ये मैटर करता है कि आपका क्या कंटेंट है, आपका कंटेंट होना चाहिए, क्योंकि जो इग्नू यूनिवर्सिटी है वो आपके कंटेंट को देखती है, ठीक है। आपका कंटेंट होना अच्छा होना चाहिए और बेशक उसमें वर्ड्स कम हो, लेकिन टू द पॉइंट उसका आंसर होना चाहिए। तो पहला आपका सेक्शन ए है, ये सेक्शन ए का आपका फर्स्ट क्वेश्चन है। ये देखिए, सो स्टूडेंट्स, हमने आपको बहुत ही अच्छे आपको नोट्स आपको प्रोवाइड कर रखे हैं, आपको बहुत ही अच्छे असाइनमेंट्स आपको प्रोवाइड कर रखे हैं। अगर आप चाहे तो वीडियो को पॉज करके इन असाइनमेंट्स को आप लिख भी सकते हैं। ये देखिए, टू द पॉइंट आपको आंसर बता रखा है। अक्सर स्टूडेंट्स ये गलती करते हैं, क्वेश्चन पढ़ते समय वो बहुत ही मतलब उसको पोलाइटली ले लेते हैं, मगर आपको क्वेश्चंस को बहुत ही ध्यान से पढ़ना है और उसका टू द पॉइंट आपको आंसर देना है। ये सेकंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन, एंड देन यहाँ से आपका सेक्शन टू स्टार्ट होता है, जिसका ये आपका सिक्स्थ क्वेश्चन है।
7 क्वेश्चन। एट क्वेश्चन। नाइन क्वेश्चन आपका। टेन क्वेश्चन। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे ये जो आपका असाइनमेंट है MHI 03 आपका फिनिश होता है। अगर आप चाहें तो इन असाइनमेंट्स को लिखने के लिए वीडियो को पॉज करके आप इन असाइनमेंट्स को लिख सकते हैं। और अगर आपको स्टूडेंट्स इन असाइनमेंट्स की PDF चाहिए तो आप हमें WhatsApp कर सकते हैं। मैं आपको अपना WhatsApp नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी। और अगर आप चाहें तो हमारी वेबसाइट पर विजिट भी कर सकते हैं इन नोट्स को लेने के लिए। सो स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को डू लाइक, शेयर एंड कमेंट करें। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को बजाना ना भूलें। और अगर आपको किसी अदर टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो वो भी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।